वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजीज कृपा एस एन एम आई एस अकेडमी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत प्राउड मोमेंट है हिमाचल स्टेट के लिए, जो कि ये बता रहा है कि बल्क ड्रग पार्क जो है वो हिमाचल स्टेट में ऊना डिस्ट्रिक्ट के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है यूनियन मिनिस्ट्री ने दे दिया है। तो फ्रेंड्स, ये इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मा इंडस्ट्री को इससे क्या इम्पिटस मिलेगा देखते हैं। प्रीकम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की, जब ये हमारी जो नेशनल लेवल की स्कीम है, बल्क ड्रग पार्क जो स्कीम है, ये हमारे पास यहाँ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो है वो जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सेप्टेम्बर 1st को जो है इस मिनिस्ट्री ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। तो यहाँ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा कि इस मिनिस्ट्री ने ओवरऑल इंडिया में कौन सी 3 स्टेट्स हैं जिनको इस बल्क ड्रग पार्क स्कीम के तहत जो है परमिशन मिली है। तो वो स्टेट्स हमारे पास यहाँ पर है, नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, राइट, इट इज़ द ओनली नॉर्दर्न स्टेट जिसको ये अप्रूवल मिला है। सेकंड है हमारे पास गुजरात स्टेट, और थर्ड है हमारे पास आंध्र प्रदेश स्टेट। तो दैट मीन्स इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राउड एंड सेलिब्रेशन कि हिमाचल गवर्नमेंट हैज़ गॉट दिस प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट, राइट। अब हिमाचल स्टेट को इसकी जो है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको हम DPR बोलते हैं, वो जो है प्रिपेयर करनी पड़ेगी, राइट। अब ये प्रिपेयर करके हम यूनियन मिनिस्ट्री को सबमिट कराएंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है बल्क ड्रग पार्क जो है, इसके प्राइमरीली मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या पर हैं। टर्मिनोलॉजी हमें क्या बता रही है कि हमें यहाँ पर एक्टिव फार्मा इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, हम उसको कहते हैं API, एक्टिव फार्मा इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, और उसके तहत हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है वो कम होने की ज़रूरत है। तो यदि हमारी स्टेट्स में इस तरह से प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो ड्रग्स की है वो ऑगुमेंट हो जाएगी। ऑगुमेंटेशन मतलब वो इंक्रीज हो जाएगी, ड्रग की सिक्योरिटी रहेगी, बल्क ड्रग पर हमारी इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम होगी, तो नेचुरली हमारे पास जो है जो मैक्सिमम इंपोर्ट चाइना से करते हैं वो कम हो जाएगा। इसका नीड और रैशनल हमें ज़रूरत पड़ी देखने की तो जब हमने कोविड पैंडेमिक्स में देखा। यूनियन मिनिस्ट्री ने जब ये प्रपोजल दिया तो स्टेट्स के बहुत सारे पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स पर स्टेट्स को असेस किया गया। फॉर एग्जांपल कि स्टेट्स में जो है पावर का जो अफोर्डेबिलिटी, कनेक्टिविटी कैसा है, स्टेट्स में वेस्ट ट्रीटमेंट कैसा है, वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, एज यू कैन सी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, पार्क के मेंटेनेंस चार्जेस कैसे रहेंगे, वेयर हाउस चार्जेस क्या हैं, दैट मीन्स कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज स्टेट्स के पास हैं कि नहीं। तो इन पैरामीटर्स के तहत जो है स्टेट्स को जो है वो कहीं ना कहीं इवैल्यूएट किया गया है, राइट, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर स्कीम में जो मिनिस्ट्री ने जो है यदि यहाँ पर टोटल जो है ₹3,000 करोड़ जो है ईच पार्क के लिए असाइन किए हैं, दैट मीन्स 1,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो पर पार्क आपके यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इस पर्टिकुलर स्कीम में इतनी ईगर क्यों है, क्योंकि इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है, विच विल एक्सप्लेन अस द रैशनल। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हमें इसको डिस्क्रिप्टिव लिखना हो, इट विल एक्सप्लेन द रैशनल, दैट इज़ द नीड, जस्टिफाई द नीड फॉर द स्कीम। तो वो ये बताता है हमें कि जो इंडिया में जो फार्मा इंडस्ट्री है वो 3rd लार्जेस्ट है पूरी ग्लोबल वर्ल्ड में। तो एज अ रिजल्ट लुक एट द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ आर फार्मा प्रोडक्ट्स, राइट, एंड एज अ रिजल्ट उस उन ड्रग्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें API की, एक्टिव फार्मा इंडिकेटर्स की जो है वो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एज अ रिजल्ट हम इंडिया जो है वो उन API को भी प्रोड्यूस कर रहा है। सो अब नेशन जो है हम ऑलरेडी जो है बल्क ड्रग्स को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लुक एट दैट एक्सपोर्ट वैल्यू ऑल्सो, राइट, एंड एज वी सेड कि हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन चाहते हैं। तो एज अ रिजल्ट हमारी डिपेंडेंस जो है वो इम्पोर्ट पे तो कम होगी, इसको हम मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव से देखेंगे, तो हमारी इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग जो है वो काफ़ी बढ़ेगी। ओके, अब हमने इसको नेशनल लेवल पर तो समझ लिया, अब यहाँ पर हम इसको स्पेसिफिक देखते हैं कि हिमाचल स्टेट के लिए ये प्रोडक्ट जो है कितना डिज़ायरेबल है, कितना फीजिबल है, और ऐसे क्या ग्राउंड्स रहे होंगे जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट की जो वायबिलिटी है वो स्टेट के लिए है। सबसे पहली चीज़ उस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऊना डिस्ट्रिक्ट की हरोली तहसील में, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पार्ट से, और वहाँ पर ऑलरेडी जो है 1400+ प्रिसाइजली 1405 एकर्स ऑफ लैंड जो है वो ऑलरेडी जो है एक्वायर करके रखी है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। दूसरी बात, हम सबको पता है कि जो
हिमाचल स्टेट के सोलन डिस्ट्रिक्ट में यू नो बद्दी बडोटी वाला जो नालागढ़ रीजन है राइट, वो ऑलरेडी हमारा सबसे बड़ा जो है वो फार्मा हब है राइट. सो एज अ रिजल्ट वहाँ पर ऑलरेडी 700 प्लस जो है वो फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं राइट. और उस फार्मा इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारा जो API की जो प्रोडक्शन है, जो कंजम्पशन है, वो भी बहुत ज़्यादा है. सो मच सो कि हम यहाँ पे BBN को क्या कहते हैं कि ये एशिया का लार्जेस्ट फार्मा जो हब है वो हिमाचल स्टेट के सोलन डिस्ट्रिक्ट में है. सो एज अ रिजल्ट जो हिमाचल स्टेट है इट अकाउंट्स फॉर 1/3 ऑफ द कंट्रीज मेडिसिंस vis-a-vis all this production is concerned. तो as a result यहाँ पर viability और feasibility ये है कि इससे state के pharma sector को तो boost मिलेगा ही, क्योंकि इस हिमाचल स्टेट का जो pharma sector है वो nation के 40% drugs की जो requirement है उसको fulfill करता है. And look at the demand itself, annual demand जो है bulk drugs की state में ही वो कहीं ना कहीं 30,000 to 35,000 crores जो है वो vary कर रही है. और हिमाचल स्टेट से होने वाले जो pharma exports हैं आप देखिए वो 7-8% जो है ओवरऑल नेशन के एक्सपोर्ट्स में जो है हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ये स्टैटिस्टिक्स कोट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये है कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कि BBN यदि इतना बड़ा फार्मा हब है तो ये जो पार्क है वो बद्दी में क्यों नहीं है. बद्दी में लैंड का जो है इतना सरप्लस लैंड की ईजिली अवेलेबिलिटी नहीं थी. इनिशियली हमने इसे बद्दी में ही प्लान किया था लेकिन लैंड अवेलेबिलिटी हमें बेटर मिली ऊना से. तो एज अ रिजल्ट अब ऊना डिस्ट्रिक्ट का और यहाँ से बद्दी का जो कनेक्टिविटी है वो भी हमें बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेंथन करना पड़ेगा सो दैट सप्लाई जो है वो स्मूथलेस होती रहे. अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने लैंड ऑलरेडी एक्वायर कर ली है. इस पर्टिकुलर लैंड में हमारे पास गवर्नमेंट लैंड भी है, पब्लिक लैंड भी है और हमारे पास यहाँ पर प्राइवेट पार्टी से भी लैंड की गई है. अब जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट देखिए यहाँ पर इसके लिए क्या क्या इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो है नेचुरली पावर पर जो है सब्सिडीज प्रोवाइड होंगी. जीरो मेंटेनेंस और वेयर हाउसेज चार्जेस होंगे फॉर गुड अबाउट 10 ईयर्स. स्टैम्प ड्यूटीज़ पर एग्जम्पशन होगी. इवन स्टेट का जो GST है उस पर 70% एग्जम्पशन रहेगी फॉर 10 ईयर्स. लैंड रेट जो है वो सब्सिडाइज रेट पर होगा. इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा. ये इंसेंटिव्स बहुत बड़ी तरह से बूस्ट करेंगे कि ये जो पार्क है ये जल्दी ही फ्लरिश होगा. अब इसका पार्ट नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं फंडिंग पैटर्न क्या है. हम सबको मालूम है कि हिमाचल स्टेट को स्पेशल स्टेटस है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी फंडिंग जो है यहाँ पर 90-10 रेशो में रहती है. अदर स्टेट जैसे कि गुजरात और आंध्र प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहाँ पर उनको 70% जो है वो फंड करेंगी राइट. अब टोटल हमने इसका देखा था कि इसका जो फाइनेंशियल आउटले है वो रुपीज़ आपका 3,000 करोड़ है. मैक्सिमम ईच पार्क को 1,000 करोड़ मिलेगा. अब स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो इसका इनिशिएटिव है वो अब आपको क्वेश्चन आ जाए. हिमाचल के लिए वो 90% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी लेकिन अदर जो हमारी स्टेट्स हैं गुजरात और आंध्र प्रदेश उसके लिए वो फंडिंग पैटर्न 70 रहेगा. हिमाचल की अभी तक की इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो आपको बताई जा रही है 119 करोड़, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 1200 करोड़. अब इसमें से 1000 करोड़ तो यूनियन गवर्नमेंट से आ जाएगा. इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वो इसमें ₹190 करोड़ रहेगा. सो फ्रेंड्स अब यहाँ पर इसको हम कंक्लूड करते हैं, देखते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है. तो एज़ यू कैन सी कि इससे फार्मा इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बूस्ट होगी ही ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक की इम्प्रूवमेंट से राइट, अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो होंगी ही. इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बन जाएगा. इतनी स्केल ऑफ प्रोडक्शन यदि बढ़ेगी तो नेचुरली उसका मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा. डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगी तो इम्पोर्ट पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी. ग्लोबल मार्केट में जो है नेचुरली जो क्रेडिबिलिटी है, जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी. नॉट ओनली दैट, हिमाचल स्टेट में जो स्किल्ड मैन पावर है तो उनको बहुत ज़्यादा इनोवेटिव मेथड से एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. तो इस बेनिफिट से जो भी हमारे पास अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी हद तक हम उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पाएंगे. सो अब यहाँ आप इसको नटशेल में आप इसको हम कंक्लूड कर लेंगे कि स्टेट के लिए फार्मा इंडस्ट्रीज़ को जो है बेनिफिट्स हैं हमारे पास राइट. और उसके अलावा आप इसको समराइज में क्विकली रिवाइज द की पॉइंट्स, तो लेटर ऑन आप इसको रिवाइज कर लें. दिस मच लैंड इज़ नीडेड, दिस इज़ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर द हिमाचल स्टेट और उसमें इस प्रोजेक्ट कॉस्ट में से ₹1000 करोड़ हमें यूनियन से मिल रहे हैं, स्टेट का शेयर रहेगा. लेकिन ओवरऑल हम बेनिफिट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है दिस पार्क विल अट्रैक्ट
₹50,000 crores इन्वेस्टमेंट और आप देख लें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अप्रॉक्सीमेटली 30,000-20,000 डायरेक्ट एंड 10,000 इनडायरेक्ट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगी, पावर की रिक्वायरमेंट होगी. तो दिस इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राउड, दिस इज़ अ मोमेंट टू सेलिब्रेट बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर द स्टेट एंड एज वेल एज फॉर द ऊना डिस्ट्रिक्ट. इंडस्ट्रियल बेल्ट स्ट्रेंथन होगी, राइट? सो प्लीज़ प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी वेल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पेपर 3 GS perspective, from prior prelims as well as mains. The details of all this article will be mentioned in the link itself. Thank you so much for watching. Wish you all the best.